बेटी की बारात। कहते हैं इस सृष्टि में सबसे बड़ा दान है कन्यादान। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है कि अगर आपने कन्यादान कर दिया तो आपने गंगा स्नान कर लिया। लेकिन कन्यादान करने के बाद क्या बेटी का रिश्ता उस घर से टूट जाता है? अक्सर बेटियों को तो यही सिखाया जाता है। हमारे प्यारे लाल मिश्रा भी अपनी बेटी कुसुम को यही सीख देने में लगे हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में कुसुम की शादी होने वाली है। माँ, जरूरी है क्या कि शादी के बाद साड़ी पहने? अरे ऐसा क्यों कह रही है बेटा? शादी के बाद एक लड़की का जीवन बदल जाता है, उसे समाज, ससुराल, रीति रिवाज के हिसाब से चलना पड़ता है कुसुम। इसलिए मान और मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, समझी? हाँ कुसुम, ससुराल जाने के बाद तुम सिर्फ उस घर का मान नहीं बल्कि इस घर का मान भी अपने साथ ले जाओगी। तुम जो भी करोगी उसका असर दोनों परिवारों पर होगा, इसलिए तुम जितना हो सके, जितना अच्छे से हो सके, उतना उस रिश्ते को निभाना बेटा। जी पापा, मैं ध्यान रखूंगी। शादी के बाद ससुराल में कई सारी ऐसी चीजें भी होती है जो तुम्हें समझ नहीं आएगी या पसंद नहीं आएगी, लेकिन तुम प्यार से उसे अपनाने की कोशिश करना कुसुम, इसी से तुम्हारा रिश्ता मजबूत होता है। कुसुम, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मुझे सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा इस घर से रिश्ता ही टूट जाएगा। मुझे यकीन है कि तुम हमारा सर कभी भी नीचे नहीं होने दोगी। तुम गर्व हो हमारा गर्व। अरे कहाँ खो गई ए महारानी, पता नहीं किस ख्यालों में खो जाती है ये। नीनी माँ जी, कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ याद आ गया था। अरे आप जल्दी से काम कर और मेरे लिए एक कप चाय भी बना दे, कब से सर में दर्द हो रहा है। जी अभी बना देती हूँ माँ जी। पता नहीं क्या देख के हमने इस लड़के से अपना रिश्ता जोड़ा था। ना अकल है ना शकल, ना ठीक से कोई काम करना आता है। बात तो तुम्हारी सही है माँ, कई बार तो मुझे भी खुद पे यकीन नहीं होता कि मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी। अब क्या कर सकते बेटा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तू तो सुधर सकती है ना बहू। इसका कुछ नहीं होने वाला माँ, ये जैसी है वैसी रहेगी। अरे मेरा टिफिन कहाँ है, अभी तक तैयार नहीं किया क्या? पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इसका। अरे कहाँ खोई रहती है सारा दिन। ये रहा आपका टिफिन और माँ जी आपकी चाय। सुनो, आज रात को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, इसलिए अच्छा सा खाना बना देना, समझी? लेकिन आज तो मुझे मम्मी पापा के घर जाना था ना, आपने कहा था शाम को चली जाना। कहा होगा, लेकिन अब मेरे दोस्तों ने प्लान बना लिया है, इसलिए कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, फिर कभी चली जाना। लेकिन मम्मी पापा कब से कह रहे थे घर आने को, अगर मैं अगर पति कह रहा है तो बात समझ में आ जानी चाहिए, यो बहस करना अच्छा लक्षण नहीं है। सही कह रही है माँ, मैंने कहा ना आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं जाना कहीं भी। शाम को सब कुछ तैयार करके रखना, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जी ठीक है। कुसुम के ससुराल वाले उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, जैसे वो कोई घर की नौकरानी हो वैसा ही उसके साथ बर्ताव किया जाता था। लेकिन उसने कभी ये बात अपने माता पिता के साथ नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि उसके माता पिता का सर झुक जाएगा अगर उन्हें ये बात पता चली तो। सुन बाहो, अपने मम्मी पापा को मना कर देना कि आज तू नहीं आएगी, वरना उनके फोन आते रहेंगे लगातार। जी। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ कुसुम, तू कैसी है बेटा? आज आ रही है ना, मैंने तेरे लिए तेरी मन पसंद कचौरियाँ भी लाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? नहीं पापा, मैं ना आज नहीं आ पाऊंगी, आज आकाश के कुछ दोस्त आ रहे हैं इसलिए कुछ तैयारियां करनी है, सॉरी पापा। अच्छा दामाद जी के दोस्त आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं बेटा, पहले ससुराल वालों के बारे में सोचना चाहिए। मुझे गर्व है कि तू सब कुछ इतने अच्छे से संभाल रही है। जी पापा, पर मुझे आपकी बहुत याद आती है। I really miss you, papa. अरे गुड़िया, मैं भी तुझे बहुत याद करता हूँ। जब भी घर में तेरी पसंद की कोई चीज बनती है ना, तो लगता है कि अभी आएगी और कहेगी पापा ये तो मैं ही खाऊंगी। लेकिन मैं ये सोचकर खुश हो जाता हूँ कि मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश है, चैन से है, और बस फिर आंसू रुक जाते बिटिया। हाँ पापा, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
आप अपना और माँ का ध्यान रखिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलने आऊंगी। तू भी अपना ध्यान रखना बच्चा है, और सबको मेरा प्रणाम देना। जी फोन रखती हूँ पापा। पापा मुझे आपकी बहुत याद आती है। नहीं आप बिल्कुल भी खुश नहीं, मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता। कई बार दिल करता है आपके पास चली आऊं, लेकिन मैं आपका सर नहीं झुकाना चाहती। I really miss you, Papa. अरे ऊपर कमरे से नीचे उतरने के लिए अब निमंत्रण भेजू क्या? अरे क्या कर रही है इतनी देर से ऊपर? बस आ रही हूँ माँ जी। कुसुम के साथ जो भी हो रहा था वो अपने माता पिता से इस बारे में कुछ भी नहीं कहती थी, चुपचाप सब कुछ सह रही थी। लेकिन उसके ससुराल वालों का बर्ताव दिन प्रतिदिन उसके प्रति और बुरा होता जा रहा था। सारा खाना बन गया है ना? जी सब कुछ बना दिया है। इसमें पकोड़े कहाँ हैं? वो आज मैंने टिक्कियां बनाई थी ना, तो पकोड़े नहीं बनाए। ये लो, एक काम कहा था इन मेम साहब से, वो भी ठीक से नहीं होता। पर और भी बहुत कुछ बनाया है आप। लेकिन पकोड़े क्यों नहीं बनाए, और ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही हो? अरे जाने देना आकाश, इतना सब तो बनाया है भाभी ने। हाँ छोड़ दे, पकोड़े नहीं है तो क्या हुआ, बहुत कुछ है यहाँ। नहीं नहीं, इन औरतों को सीधी तरह से बात समझ में नहीं आती, और ऊपर से पति से जुबान लड़ाना खूब आता है। आप बैठिए, मैं अभी बना देती हूँ। अब क्या फायदा है? अब मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया तुमने। कभी कभी तो सोचता हूँ क्यों कर ली मैंने तुमसे शादी। ना तुम इतनी खूबसूरत हो, ना अकल है, और ना ही कोई तमीज। पता नहीं क्या सोच के मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। अरे जाने दो ना आकाश, क्यों बात का पतंगड़ बना रहा है? हाँ देख भाभी रो रही है, छोड़ देना गुस्सा। इसे यही आता है दोस्त, रोना बस, और कुछ नहीं। कुछ कहा नहीं, और मैडम के आंसू टप टप टपकने लग जाते हैं। एक तो गलती करती है, ऊपर से सबके सामने रोने लग जाती है। अरे क्या इज्जत रह जाएगी मेरी मेरे दोस्तों के सामने? अरे छोड़ दे बेटा, इसका तो रोज का है, तू क्यों अपना मूड खराब कर रहा है? देख कर दिया ना मेरे बेटे का दिन खराब, कितना खुश था अपने दोस्तों के आने से। रो के मन हुसियत तो मत फैला पूरे घर में। हम चलते हैं आकाश। देखा, तुम्हारी वजह से हमारा पूरा प्लान खराब कर दिया। कुछ कहा नहीं, और गंगा जमुना बहने लगती है। अब तो पड़ गया ना चैन तुम्हें, मेरे बेटे की पार्टी खराब कर दी। अरे क्यों करती हो तुम ऐसा? मैं जानता हूँ, आज तुम्हें मैंने अपने मम्मी पापा के घर जाने नहीं दिया, इसलिए ये बदला लिया, इसलिए मेरा दिन खराब किया। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो कितना कुछ बनाया था आपके लिए। मेरा कोई इरादा नहीं था आपकी पार्टी खराब करने का, सच में। चुप कर, अब सब कुछ खराब करने के बाद कह रही है मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मैं तंग आ गया हूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अब खुद ही मनाती रहो पार्टी, समझी? पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। मैं जितनी कोशिश करती हूँ सब कुछ अच्छा करने की, उतना ही ये लोग मुझे गलत समझते हैं। पता नहीं मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इन्हें पसंद आने लगूं। पापा प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। अरे आकाश, ये कुसुम तो बेहोश हो गई, जरा जल्दी आ। रोते रोते कुसुम बेहोश हो जाती है। आखिर क्या था उसके बेहोश होने का कारण, कोई बीमारी या कुछ और? अब पता नहीं कुसुम की जिंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली थी। कुसुम के ससुराल में उसकी हालत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। उसके ससुराल में कोई उससे ना प्यार करता था और ना ही उसकी इज्जत। लेकिन वो ये सब चुपचाप सह रही थी, बस इसलिए क्योंकि उसे अपने माता पिता के सिखाए संस्कार याद थे। उसे डर था कि कहीं उसके कोई कदम उठाने से उसके माता पिता की इज्जत ना चली जाए। कुसुम की कई बार बेइज्जती की जाती, उसे ताने मारे जाते, और आज तो उसके पति ने उसके दोस्तों के सामने खरी खोटी भी सुना दी, जिसके बाद रोते हुए कुसुम बेहोश हो गई। आप दोनों बाहर रुकी, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। ठीक है डॉक्टर। अब पता नहीं कौन सी नई मुसीबत लेकर आई है यह लड़की,
हाँ बीमार हो गई है, पता नहीं कितना खर्चा करवाएगी। पता नहीं क्या होता रहता है इसे, अब ये बीमार पड़ गई तो घर का काम कौन करेगा। देखते ना डॉक्टर क्या कहती है, फिर पता चलेगा। और क्या, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ठीक है ना, तो घर का काम कर सकती है ना ये अब। अरे पहले पूछिए तो सही कि वो ठीक है या नहीं, बीमार क्यों हुई थी, आपको तो सिर्फ घर के काम की पड़ी है। बेहोश क्यों थी ये? आपकी पत्नी माँ बनने वाली है, अब आपको उनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना होगा। क्या, मैं पापा बनने वाला हूँ? माँ सुना तुमने, मैं पापा बनने वाला हूँ। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारे घर जल्दी ही छोटा आकाश आने वाला है, मेरे घर का चिराग। थैंक यू डॉक्टर। छोटी गुड़िया भी तो आ सकती है ना। देखिए अब आपको उनका बहुत ध्यान रखना होगा, उनकी हालत देख कर लगता है कि वो बहुत ज्यादा रोई हैं, और उनका खाना पीना भी इतना सही नहीं है, इसलिए आज से उनका ध्यान रखिएगा, उन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जी जी डॉक्टर, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप उन्हें अच्छे से दीजिएगा। कुसुम की जिंदगी में इतने वक्त बाद कोई खुशी आई थी, वो माँ बनने वाली थी, और इसी वजह से थोड़ा सा ही सही लेकिन उसके ससुराल वालों का बर्ताव उसकी तरफ पहले से सही हो गया था। ये ले दूध पी ले, मेरे पोते को अच्छे से पोषण मिलना चाहिए, मैं नहीं चाहती वो तेरी तरह कमजोर पैदा हो। ले पी ले दूध। जी माँ जी। तुमने अपनी दवाई ले ली है ना? जी मैंने ले ली है। देखो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कुछ भी हो, समझी? तुम अपना ध्यान रखो ना रखो, लेकिन मेरे बच्चे का पूरा ध्यान रखना होगा। जी मैं अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ। एक बार मेरा पोता आ जाए फिर मैं उसे अपने हाथों से पालूंगी, देखना आकाश। हाँ माँ तुम ही पालना मेरे बेटे को, मैं नहीं चाहता कि वो अपनी माँ की तरह बने। कुसुम गर्भवती थी लेकिन इसके दौरान हर वक्त उसे यही कहा जाता था कि उन्हें लड़का ही चाहिए, जिससे कुसुम और भी डरी डरी रहने लगी थी। कुसुम तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है, क्या बात है, किसी बात का टेंशन है क्या तुम्हें? डॉक्टर क्या आप बता सकती हैं ये बेबी लड़का है या लड़की? कुसुम तुम्हें पता है ना कि ये बताना बहुत बड़ा अपराध है, फिर क्यों पूछ रही हो? सॉरी डॉक्टर मैं तो बस यूं ही। तुम्हारे ससुराल वाले तुम पर दबाव डाल रहे हैं क्या? नहीं डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, वो सब तो बहुत खुश है। मैं रोज ऐसे लोगों को देखती हूँ कुसुम, और मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखो और टेंशन बिल्कुल मत लो। जी डॉक्टर। कुसुम को डर था कि कहीं उसकी बेटी हो गई तो शायद उसका जीना उसके ससुराल में और भी मुश्किल हो जाएगा, इसी डर में वो अपने दिन रात बिता रही थी, और उसका ये डर सच भी हुआ जब उसकी बेटी ने जन्म लिया। एक खुशी मांगी थी इससे, वो भी ये नहीं दे पाई। इससे उम्मीद करना ही हमारी गलती थी माँ, घर का चिराग मांगा था, ये तो एक और कुसुम ले आई। ये बच्चे हम दोनों की है आकाश, आप इसके बारे में ऐसा मत कहिए प्लीज। तुम ज्यादा जबान मत लड़ाओ समझी, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे बेटा चाहिए। पर ये मेरे हाथ में तो नहीं था, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तेरा भाग्य ही ऐसा है, जब से शादी करके आई है तब से हमारे सर पर बोझ बनी हुई है, और अब तो इसकी बेटी भी आ गई। आकाश आप तो समझिए, ये आपकी बेटी है, आपका खून है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं अपनी बेटी के बारे में? ये तुम्हारी बच्ची है, तुम ही पालो इसे, मेरी बेटी है, लेकिन मेरा मन बेटे को पाने का था। आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ये आपके घर का खून है, जरा सा तो प्यार दिखाइए। माँ मैं घर जा रहा हूँ, तुम इन दोनों को लेकर आ जाना। ठीक है बेटा जा, तू थक गया होगा, जाकर आराम कर ले बच्चा। कुसुम का डर हकीकत में बदल गया था, बेटी होने के बाद उसके ससुराल वाले उसके साथ और भी बदतमीजी से पेश आ रहे थे। अरे कुसुम अभी तक खाना नहीं बनाया, क्या कर रही थी सुबह से? माँ जी गुड़िया को आज तेज बुखार है, वो रोए जा रही है, इसलिए खाना बनाने के लिए वक्त ही नहीं मिला। अब बच्चे का बहाना बना रही है ये, बस यही सुनना रह गया था। माँ जी मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, सच में गुड़िया की तबीयत खराब है। तो तू क्या चाहती है, क्या बेस उम्र में मैं काम करूँ, बस यही दिन देखना रह गया था। आकाश देख रहा है ना बेटा ये क्या कह रही है? माँ जी मेरी बेटी बीमार है, रो रही है, एक दिन आप खाना बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की, हैं?
मैं ऐसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो मैंने तुमसे शादी कर ली और तुम्हें इस घर में ले आया। तभी अचानक बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगती है। अरे यह कैसी आवाज है? शायद किसी की बारात आई है माँ। लेकिन इसकी आवाज हमारे घर के बाहर से क्यों आ रही है? आओ माँ देखते हैं। अरे ये किसकी बारात लेकर आया है कोई, वो भी हमारे दरवाजे पर। पता नहीं माँ कौन है। अरे वो देख, सजी हुई कार भी है और उस पर कोई नाम भी लिखा हुआ है, पढ़ तो जरा किसका नाम है। कुसुम। अरे इस पर तो कुसुम का नाम लिखा हुआ है। पापा, पापा बारात लेकर क्यों आए हैं? कुसुम चल बेटा, मैं तुझे लेने आया हूँ। पापा ये सब क्या है? और आप? कुसुम मैंने तुझसे कहा था कि रिवाजों को जितना हो सके निभाना, पर ये तो नहीं कहा था ना कि घुट घुट के जीना, अपना अस्तित्व खो देना, अपनी इज्जत खो देना। नहीं बेटा नहीं, ये सब तुम क्यों सहती रही? पापा आपको ये सब कैसे? गुड़िया के जन्म होने पर मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें हॉस्पिटल मिलने आए थे, तभी हमने बाहर खड़े होकर इन माँ बेटों की बातें सुन ली थी। पर मैं तुझे रो धोकर नहीं बल्कि धूमधाम से इस नरक से ले जाना चाहता था, इसलिए बेटी ये रही तेरी बारात, मैं तुझे यहाँ से शान से ले जाऊंगा। आपको कोई शर्म भरम है भी या नहीं है? समाज की कोई चिंता नहीं है? शर्म की बात आप ना करें तो बेहतर होगा बहन जी, आपने किसी की भूल सी बेटी को नौकरों से भी बदतर तरीके से रखा है, प्यार के नाम पर बस उसे ताने दिए हैं और आप शर्म की बात कर रही हैं। और रही बात समाज की, तो आज इस पूरे समाज के सामने मैं कहता हूँ कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, मेरा गर्व है, और आप जैसे लोगों की वजह से ही बेटियाँ घुट घुट के जीती हैं, इसलिए ऐसे लोगों को तो समाज में किसी को भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। आप पूरी जिंदगी अपनी बेटी को संभालेंगे क्या ससुर जी? बेटा मेरी बेटी आत्मनिर्भर है, वो अपना और अपनी बेटी का ख्याल खुद रख सकती है, उसे किसी के भी ऊपर आधार रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने अपनी बेटी को नहीं अपनाया, तुम्हें पता ही नहीं कि बेटियाँ चीज़ क्या होती है, वो एक पिता का गर्व होती है। इसलिए आज से मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, मैं उसे पूरे धूमधाम से बैंड बाजा बारात के साथ यहाँ से ले जाऊँगा। बजाओ बैंड। चल बेटा। पूरा मोहल्ला प्यारे लाल के लिए तालियां बजाता है और प्यारे लाल पूरे मान के साथ अपनी बेटी को वहां से ले जाता है। हमारे समाज में कितने लोग होंगे जो प्यारे लाल की तरह सोच रखते होंगे? अगर ऐसे पिता हर किसी की बेटी के हो तो कोई भी बेटी अपने ससुराल में घुट घुट के नहीं रहेगी। बेटियां बोझ नहीं, बरकत है।